अब अगली बात जो आती है वह है मतदान केंद्र और बूथ बूथ और मतदान केंद्र में क्या अंतर है निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो मतदान केंद्र तय करता है जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्र सामान्यतः स्कूल होते हैं क्योंकि एक स्कूल में कई कमरे मिल जाते हैं एक स्कूल में पानी और टॉयलेट की सुविधा बड़ी आराम से मिल जाती है पर्याप्त खुली जगह मिल जाती है जहाँ पे गाड़ियों साइकिलों को पार्किंग के लिए पर्याप्त पेश मिल जाता है सामान्यतः स्कूलों में मतदान केंद्र होते हैं प्रत्येक मतदान केंद्र में जो निर्वाचन अधिकारी है वो इस कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था करता है और फिर ये सरकारी कर्मचारी वहाँ पे सभी तरह की व्यवस्था करते हैं पानी आदि की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं अब मतदाताओं की सुविधा के लिए जैसा मैंने बताया एक निर्वाचन क्षेत्र उसमें कई मतदान केंद्र इन मतदान केंद्रों में कई कमरों में मतदान होता है सामान्यतः प्रयास ये रहता है सरकार का या चुनाव आयोग का कि एक मतदाता को ज्यादा से ज्यादा दो किलोमीटर की दूरी में जाना पड़े मत डालने के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा उसे न जाना पड़े ये मतदाता की सुविधा के लिए किया जा रहा है। और साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूरी को लेकर मतदाता कहीं बिचक ना जाए मतदान करने से नहीं तो मतदान का प्रतिशत प्रभावित होगा तो इसलिए अधिकतम दो किलोमीटर में कम से कम एक मतदान केंद्र जरूर होता है इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक मतदान केंद्र में कई बूथ हों बूथ यानी कमरे एक मतदान केंद्र में कई मतदान बूथ अब मतदान केंद्र ये एक है इस केंद्र के अंदर आप जाएंगे तो कई कमरे मिलेंगे हर कमरे में एक ईवीएम मशीन है और चार या पांच कर्मचारी बैठे हुए हैं अपना अपना कार्य करते हुए जो चुनाव आयोग के मातहत कार्य कर रहे हैं वही कर्मचारी जिनका नाम चुनाव आयोग ने भेजा है चुनाव निर्वाचन नि... आयुक्त चुनाव अधिकारी जिला चुनाव अधिकारी के द्वारा जिसका नाम प्रस्तावित किया गया वही कोई अन्य वहां नहीं साथ ही वहां पर विभिन्न दलों के एक एक प्रतिनिधि भी बैठते हैं हर बूथ में ये प्रतिनिधि इसलिए बैठते हैं ये देखने के लिए कि जो मतदाता मतदान करने के लिए अंदर जाता है बूथ के अंदर उसे वहाँ बैठे हुए चुनाव कर्मचारी किसी तरीके से प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं उसके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं उसको मतदान करने में अर्थात मतदान निष्पक्ष है कि नहीं ये देखने के लिए राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि वे हर बूथ में एक एक अपना प्रतिनिधि वहाँ बैठाए रखें जो बस ये नज़र रखता है उनका बाकी कुछ काम नहीं इसके अलावा मतदान केंद्र में शांति बनाए रखने के लिए हर बूथ में या हर मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी होते हैं मतदान अधिकारी तो होते ही हैं और कुछ पुलिस भी होती है प्रत्येक बूथ जो होता है जैसे मैंने आपको बताया पूर्व में कि एक मतदान केंद्र में समझ लीजिए एक हजार लोगों का नाम होगा मतदाता सूची में ये एक हजार लोग एक केंद्र में जाएंगे तो एक कमरे में ना भेज करके इनको दस कमरों में बांट दिया जाए या सात कमरों में बांट दिया जाए अर्थात बूथ नंबर एक में पहले डेढ़ सौ नाम उस मतदाता सूची के दूसरे बूथ में दूसरे सौ डेढ़ सौ नाम उस मतदाता सूची के और ऐसा करते हुए एक हजार नाम बांट दिए जाते हैं तो एक ही कमरे में पूरी भीड़ नहीं जाती और बड़े सुचारू रूप से मतदान होता है अब आते हैं हम मुख्य चीज पर जो ये पूरी प्रक्रिया या ये पूरा अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह चुनाव केंद्रित है मतदान केंद्रित है जिसके पूरे केंद्र में मतदान है तो अगला या तेरहवा चरण होता है मतदान का चरण जो तारीख निश्चित की गई है चुनाव मतदान के लिए उस तारीख और उस समय के अंतराल में मतदान होता है मतदान कक्ष में अधिकारी और कर्मचारी के अलावा सभी उम्मीदवार अपने अपने एक पोलिंग एजेंट को रखते हैं प्रतिनिधि को जिसे मैंने बताया उसे पोलिंग एजेंट बोलते हैं या हिंदी में मतदान अभिकर्ता बोलते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है मतदान की पहचान होने या मतदाता की पहचान होने और मतदाता सूची में नाम है कि नहीं ये देखने के लिए एक प्रक्रिया है कल्पना करिए बूथ के बाहर पंद्रह लोग खड़े हुए हैं जिनका नाम उस बूथ की मतदाता सूची में है एक मतदाता अंदर जब घुसता है तो सबसे पहले उसका नाम पहला कर्मचारी पढ़ता है मतदाता सूची में उसका नाम है कि नहीं यदि मतदाता सूची में उसका नाम है क्योंकि उस बूथ में कल्पना करिए करीब सौ लोगों के नाम हैं तो वो देखता है क्रम से कि इन सौ में उसका नाम है कि नहीं नाम यदि मिलता है तो उसके बाद उनसे परिचय पत्र पूछता है आई कार्ड वोटर आई कार्ड वोटर आई कार्ड की दी जानकारी और उसके नाम के आगे लिखी हुई जानकारी में मिलान हो वोटर आई कार्ड की फोटो और जो व्यक्ति वहाँ आया है वोटर आई को लेकर उसकी उसके चेहरे में मिलान हो तो ऐसी स्थिति में यह बात तय हो गई कि मतदाता फेक नहीं है जेन्य है और प्रकार उसके नाम के आगे वह कर्मचारी चिन्ह लगा देगा राइट चिन्ह और दस्तखत करवा लेता है मतदाता से अंगूठा लगवा लेता है उसके बाद अगले कर्मचारी के पास हो जाता है जो वहाँ बैठा हुआ है और अगला कर्मचारी जो है वह उसके बाद उसे और दोबारा पड़ता है मतदान अधिकारी दोबारा पढ़ता और फिर सुनिश्चित करता है कि यह सही मतदाता है इसके बाद तीसरे के पास जाकर क्या होता है आपने मतदाताओं की उंगलियों में नीली गाढ़ी स्याही के निशान देखे होंगे ये इनडेलिबल इंक कहलाती है अमिट स्याही इन इंक वह कर्मचारी सरकारी कर्मचारी जो चुनाव की ड्यूटी पर है वह मतदाता के उंगली में खासकर इस उंगली में चमड़ी और उंगली के हिस्से को जोड़ते हुए एक चिन्ह लगा देता है और यह चिन्ह अमिट है क्योंकि वो कुछ दिन तक उसे मिटाया नहीं जा सकता ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ये आदमी एक मत डालने जाएगा और एक मत डालने के बाद वह कहीं भी कभी भी अगले दो तीन दिन तक मत नहीं डाल सक पाएगा क्योंकि उसके हाथ की वो इंक मिटाई नहीं जा सकती इस प्रकार वैध मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए ये इनडेलिबल इंक का प्रावधान किया गया है अवैध मतदान ना हो इसके लिए किया गया फिर भी कभी कभी ऐसी स्थितियाँ या ऐसी खबरें आती हैं कि मतदान अवैध हो गया खैर आगे बढ़ते हुए जब वो इंडेलेबल इंक लग जाती है तो उसके बाद वह व्यक्ति जाता है मशीन के पास और उस मशीन के पास जाकर वह उनमें से एक बटन जहाँ पर उसके उसके पसंद के दल और उम्मीदवार का नाम लिखा है उसको दबा देता है किस बटन को दबाया यह दिखाई नहीं देगा दूसरे शब्दों में मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अपने पसंद की उम्मीदवार का बटन दबा देता है और इस प्रकार उसका एक मत वहां काउंट हो जाता है मशीन काउंट कर लेती और ऐसा करते हुए निकल जाता है। यह पूरी एक प्रक्रिया होती है मतदान के दिन और ऐसा हर बूथ में हो रहा है फिर ऐसा हर मतदान केंद्र में हो रहा है और बड़े स्तर पर ऐसा हर निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है और अंततः ऐसा ही पूरे देश में हो रहा है उस दिन जिस दिन जो तिथि मतदान की हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ई इसकी शुरुआत उन्नीस में हुई केरल के विधानसभा चुनाव में वो भी एक उपचुनाव में ट्रायल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया पहली बार और उसे अच्छा पाया गया उसके बाद विधानसभा चुनाव में 16 विधानसभा चुनाव में इसका उपयोग हुआ जिसमें मध्य प्रदेश के पाँच और राजस्थान के पाँच और दिल्ली के कुछ विधानसभा सीटें थीं और यहाँ पर भी ये प्रयोग सफल रहा तो उन्नीस अट्ठासी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को मान्यता दी जाती है 1988 में पहली बार मान्यता दी जाती है और आम चुनाव में पहली बार 2004 कब 2004 में पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग होता है यदि आम चुनाव 2004 में ईवीएम का प्रयोग हुआ तो उसके पहले क्या होता था उसके पहले कागज होता था मतदाता को कागज दिया जाता था उस कागज में वो चिन्ह लगाकर उसे एक बॉक्स में डाल देता था अपनी पसंद के कैंडिडेट के नाम पर चिन्ह लगा फिर वो बॉक्स को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ जमा किया जाता था तो इस प्रकार कागज का बहुत उपयोग हो रहा था 2004 में ईवीएम पहली बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया और एक ईवीएम की क्षमता जो है तीन वोट उसकी कैपेसिटी है तीन हजार आठ सौ चालीस वोट मैंने जैसे बताया कि आपको कि लगभग एक बूथ में करीब डेढ़ सौ से दो सौ नाम होते हैं हर बूथ में ई रहता है तो इतनी नौबत नहीं आ पाती कि तीन हजार आठ सौ किसी एक मशीन में आए लेकिन इसकी क्षमता की बात करें तो तीन हजार आठ सौ प्लस मत उसमें आ सकते हैं और एक वोटिंग यूनिट में ज्यादा से ज्यादा सोलह उम्मीदवारों के नाम लिखे जा सकते हैं अधिकतम चार वोटिंग यूनिट को एक कंट्रोल रूम उससे जोड़ दिया जाए तो 64 उम्मीदवारों के नाम एक ई से जोड़ा जा सकता है 64। दुर्भाग्य से ऐसे भी कुछ क्षेत्र चुनावी क्षेत्र हुए हैं मतदान केंद्र या कहना चाहिए विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र जहां पर 64 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए चुनाव में तो ये तो बात हुई मतदान की अब अगला बिंदु है चुनाव स्थगन मतदान होता है तो चुनाव के स्थगन की संभावना भी रहती है चुनाव स्थगन और पुनर्मतदान की संभावना भी रहती है तो चौदाहवा बिंदु है चुनाव स्थगन और पुनर्मतदान संबंधी उन्नीस जनवरी बयानवे को जो राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया था जिसका मैं पूर्व में जिक्र किया हूं उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि निर्दलियों की यदि मृत्यु होती है चुनावी प्रक्रिया के दौरान अर्थात तिथि की घोषणा करने से लेकर काउंटिंग तक यदि किसी उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो चुनाव स्थगित नहीं होगा पहले क्या होता था निर्दलीय उम्मीदवार या कोई भी उम्मीदवार की मृत्यु होती थी दुर्घटना में या बीमारी से या किसी कारण से तो चुनाव का पूरा का पूरा चुनाव उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थगित हो जाता था बड़ा खर्चीली प्रक्रिया है चुनाव एक व्यक्ति की उम्मीदवार की मृत्यु से स्थगित हो जाना शासन पर भारी आर्थिक बल डालता है और शासन के पास जो पैसा है वो पैसा तो जनता का ही है तो अंततः ये जनता पर ही बोझ आता है इसलिए बयानबे में, में एक प्रावधान किया गया कि ठीक है यदि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो स्थगित हो सकता है चुनाव अन्यथा निर्दलीय की मृत्यु पर नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है इसके अलावा यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाए मतदाताओं को डराया जाए मतदान से रोका जाए या मतदान के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा कोई अनियमितता की जाए तो निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर वह कुछ व्यवस्था कर सकता है उचित व्यवस्था कर सकता है और यह उचित व्यवस्था किस रूप में कि सर्वप्रथम मतदान अधिकारी जो है उस क्षेत्र का उस मतदान आ, केंद्र का वह संबंधित अधिकारी को सूचना देगा और उसके बाद संबंधित अधिकारी को सूचना देने के बाद निर्वाचन आयोग तक ये जानकारी पहुंचेगी और यदि निर्वाचन आयोग संतुष्ट हो गया तो वो संबंधित मतदान केंद्र पर या केंद्रों पर दो या तीन दिन के अंदर पुनर्मतदान की व्यवस्था करेगा और यदि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है उस निर्वाचन केंद्र में उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र में नहीं निर्वाचन क्षेत्र में बड़े स्तर पर धांधली हुई है गड़बड़ी हुई है अनुचित तरीके अपनाए गए हैं या अनुचित स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उस स्थिति में निर्वाचन आयोग उस पूरे क्षेत्र के चुनाव को रद्द कर देगा और नई तारीखें नए तरीके से वहाँ चुनाव कराएगा किसी अन्य तारीख में तो इस प्रकार ये स्थिति आपको अब स्पष्ट हो गई है कि चुनाव का स्थगन और पुनर्मतदान किन स्थितियों में किया जा सकता है और कौन कर सकता है और मतदान केंद्र बूथ और निर्वाचन केंद्र में अब आप अंतर समझ गए हैं एक निर्वाचन क्षेत्र मतलब लोकसभा की एक सीट एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 100-200-500 मतदान केंद्र एक मतदान केंद्र के अंदर पांच छ आठ दस बूथ और दो मतदान केंद्रों की अधिकतम दूरी दो किलोमीटर देश में पूरे निर्वाचन केंद्रों की संख्या अधिकतम पांच सौ तिरालीस अब हम आते हैं एक उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जिसकी प्रतीक्षा सबको रहती है चुनाव के दौरान और वह है चुनावी परिणाम पंद्रहवा बिंदु है मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा मतदान समाप्त जब होता है उसका एक समय रहता है सुबह सात से शाम पांच या सुबह सात से शाम छह बजे तक का मतदान का समय और ये क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देख के अलग अलग रहता है लेकिन कमोबेश एक बहुत बड़े क्षेत्र कुल जो घंटे रहते हैं मतदान के वो बराबर वो आ, वो कुल घंटे सभी जगह के लिए एक ही हैं समय बदल सकता है क्योंकि कई जगहों पे सूर्योदय पहले होता है कई जगहों पे सूर्यास्त पहले होता है आदि आदि तो मतदान समाप्त होने के बाद जो मत पेटियां हैं सब बूथों से ली जाती हैं हर बूथ से मतपेटियाँ ली जाती हैं ईवीएम मशीन ली जाती है और उसको सील बंद किया जाता है वहीं मतदान अधिकारी के सामने पुलिस की उपस्थिति में और जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि पोलिंग एजेंट के रूप में बैठे थे उनके सामने पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है निष्पक्षता को साबित करने के लिए और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ये कार्य सबके सामने किए जाए उनके सामने सील बंद किया जाता है और इस प्रकार एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी ई एक निश्चित स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं पूरी सुरक्षा में चाहे वो बड़ा हॉल हो चाहे कई कमरे हो, वहाँ पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी ई हैं, जिनकी संख्या हजारों में होगी वो वहाँ जमा हो जाता है उसके बाद सील हो जाता है सुरक्षा में रहता है और रोज नियम से वहाँ पुलिस और पोलिंग एजेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि वह वे हॉल खोले ना गए हों फिर जो निश्चित तारीख रहती है गिनती की तारीख निश्चित तिथि और निश्चित समय और स्थान पर मतगणना हेतु सरकारी कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं वो आते हैं और उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट के सामने गिनती करते हैं एक निर्वाचन क्षेत्र से जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए वह विजयी घोषित सभी मतदान केंद्रों जिसमें सब बूथ रहते हैं उनकी मशीनों को एक जगह रखने के बाद जो मतगणना होती है एक निश्चित तिथि में संबंधित कर्मचारियों द्वारा और विभिन्न दलों के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में पारदर्शिता बनाने के लिए तो उसके बाद सभी को जोड़ा जाता है और उम्मीदवारों को मिले मतों को जोड़ने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है इस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया जो परिसीमन के साथ शुरू होती है वो यहाँ पर एक तरीके से समाप्त होती है परिणाम की ये सूचना जो है वो संबंधित अधिकारी निर्वाचन आयोग और संबंधित सदन के सचिव को भी भेजता है संबंधित सदन से तात्पर्य है यदि वह लोकसभा के चुनाव के लिए मतगणना हुई तो लोकसभा के सचिव को सूचना जाएगी कि इस निर्वाचन क्षेत्र से यह उम्मीदवार जो इस दल का है वह विजयी घोषित हुआ है और यदि राज्यसभा का है तो दूसरी स्थिति होगी विधानसभा के बारे में अलग होगी आदि आदि जो संबंधित सदन के सचिव को भी सूचना भेजना अनिवार्य है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसके बाद जब प्रतिनिधित्व तय हो जाता है हर जिलों से तो पूरे देश से इस प्रकार परिणाम 543 जो निर्वाचन क्षेत्र है यदि लोकसभा की बात करें तो तो उनके परिणाम पहुंचते हैं और दलों की स्थिति भी मालूम होती है इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया चलती है अर्थात विधायिका की भूमिका शुरू हो जाती है जिसको बारे में विस्तार से हम विधायिका के अध्याय में पढ़ेंगे फिलहाल हम चुनाव आयोग के जो या दायरे की बात कर रहे हैं उसमें अगला बिंदु है चुनाव खर्च का विवरण प्रस्तुत होना संसद ने चुनाव खर्च को लेकर कानून के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा, द्वारा किए गए या किए जाने वाले खर्च की सीमा को निर्धारित किया है यह संसद के द्वारा निर्धारित है कि चुनाव की खर्च सीमा क्या रहेगी प्रति उम्मीदवार निर्वाचन में जो उम्मीदवार भाग लेते हैं उनके लिए जरूरी है कि वे निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर कितने दिन 30 दिनों के अंदर अपने निर्वाचन का खर्च चाहे वो हरे हुए उम्मीदवार हों चाहे विजय उम्मीदवार हों सभी को अपनी उम्मीदवारी पे किया गया खर्च हिसाब के साथ संबंधित अधिकारी को देना होगा ये बहुत आवश्यक है जिसकी संबंधित अधिकारी चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारी उसकी जांच करते हैं खर्च के ब्यौरे का अध्ययन करते हैं सीमा के अंदर खर्च हुए हैं कि नहीं उचित मद पर खर्च हुए हैं कि नहीं बिल्स ठीक प्रकार से लगाए गए हैं कि नहीं आदि आदि और फिर उसके आधार पे वो कुछ निष्कर्ष लेता है उम्मीदवार के बारे में अंतिम बिंदु है निर्वाचन संबंधी विवाद या चुनाव याचिकाएं जिसे हम कहते हैं चुनाव याचिकाएं निर्वाचन संबंधी विवाद या चुनाव याचिकाएं मैंने पहले भी एक दो विवादों का जिक्र किया है और इनका वि... संबंध चुनाव से था चुनाव संबंधी सभी विवादों की सुनवाई का अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है यदि कोई उम्मीदवार भ्रष्ट तरीके से चुनाव में विजयी हुआ है या कोई उम्मीदवार सीमा से ज़्यादा खर्च कर बैठा है या कोई उम्मीदवार गलत तरीके से उसने हिसाब का ब्यौरा दिया है तो हारा हुआ उम्मीदवार जो है वह 45 दिन के अंदर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में विजयी उम्मीदवार के खिलाफ अपील कर सकता है और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है इस प्रकार हारे हुए उम्मीदवारों को 75 दिन का ग्रेस पीरियड और मिलता है जिसमें यदि उन्हें लगता है कि विजय उम्मीदवार ने किसी तरह का भ्रष्टाचार किया है किसी तरह का ऐसा कार्य किया है जो चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप नहीं है तो वह उच्च न्यायालय जाएगा पहले राज्य के और यदि वहाँ उसे उसके अनुसार न्याय नहीं मिलता है निर्णय नहीं मिलता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है तीस दिन के अंदर पैंतालीस के बाद यदि न्यायालय इस उम्मीदवार के आरोपों को सही पाता है और ये साबित हो जाता है कि विजय उम्मीदवार ने कुछ गलत तरीके अख्तियार किए थे चुनाव जीतने के लिए तो जीते हुए चुनाव जीते हुए प्रत्याशी का चुनाव जो है वो अवैध घोषित हो जाएगा आरोपों को सही पाने पर जीते हुए प्रत्याशी का चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा और विवाद के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर उसके स्थान पर हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा हारा हुआ प्रत्याशी अर्थात जो मतों की तुलना मतों की गिनती में दूसरे नंबर पर रहा है और जिसके खिलाफ कुछ इस तरह के आरोप ना हो उसे विजयी घोषित किया जा सकता है वह उस निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्निर्वाचन का भी आदेश दे सकता है ये उसके सामने दूसरा चुनाव आयोग के सामने दूसरा ऑप्शन रहता है और ऐसी स्थिति में निर्णय न्यायालय के जो निर्णय है उनकी सूचना निर्वाचन आयोग को जाएगी और संबंधित सदन के अध्यक्ष को भी जाएगी कि यह उम्मीदवार अवैध इसकी उम्मीदवारी या उसकी उसका प्रतिनिधित्व उसका चयन चुनाव अवैध घोषित किया जाता है और ये सूचना सरकारी गैजेट में भी प्रकाशित होती है जिसका जिक्र मैं पहले किया हूँ सरकारी गैजेट गवर्नमेंट गैजेटियर वह पत्रिका जिसमें सरकार अपने सभी आदेश नीतियों को आधिकारिक स्तर पर प्रकाशित करती है अधिकारियों के लिए जनता जनार्दन के लिए तो यहाँ पर भी ये सूचना गैजेटियर में जाती है इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया जो है वह पूरी इन सत्रह बिंदुओं को लेकर पूरी होती है एक बहुत लंबी प्रक्रिया है बट बहुत महती प्रक्रिया है लोकतंत्र की नींव है